कैसा लग रहा है? क्या गलती थी? क्यों मारा? कब इंसाफ मिलेगा इस माँ को? तुम लोगों का जमीर क्या? बना ली वीडियो, देख लिया तमाशा? घबराओ नहीं, कल शायद तुम भी हो यहाँ इसी जगह पर, या कोई तुम्हारा अपना होगा यहाँ पर। और तुम्हारी जिस तरह से तुम इस मंजर को देख रहे थे, अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे थे, कल और कोई होगा जो यही करेगा, सिलसिला यही चलता रहेगा। कब रुकेगा ये सब कुछ? कौन रोकेगा? क्यों है हमारा कानून इतना कमजोर? क्यों नहीं है इंसान? वाह वाह शेरों, वाह वाह, तुम्हारे को तो तारीफ बनती है ना, और उन पब्लिक के लिए भी तारीफ बनती है जो तमाशा बन के देख रहे थे, तमाशवी बन के देख रहे थे। उस वीर का क्या कसूर था जिसको तुम लोगों ने गुरु के द्वारे में मार दिया? सिर्फ इतना कि उसने तुम्हें समझाया कि वीरों हुड़दंग ना करो, गंदे गाने ना लगाओ, गुरु के द्वारे आए हुए, और तुमने क्या किया? तुमने उसे मार दिया। और ये पब्लिक, हम जैसी पब्लिक जो तमाशा देख रही थी, कसूरवार तो हम भी हैं। तुमने एक को नहीं मारा, तुमने उस माँ को मार दिया, तुमने उस बाप को मार दिया। वो तो वीर चला गया, लेकिन सोचा वो जब तक सांसें लेंगी तब तक वो कराएंगी, मरेंगे, अपने बेटे को याद करेंगे। हम जैसी माँ, तुम जैसे बेटे तो मर जाने चाहिए, कोख में ही मर जाने चाहिए। उस माँ का दर्द नहीं बयां किया जा सकता। तुमने एक माँ को जीते जी मार दिया, तुम्हें रब कभी नहीं छोड़ा। अब तुम्हारा क्या होगा? सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी माओ का क्या होगा अगर उन्होंने सही परवरिश दी है तो? तुम कभी भी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाओगे। ये हम जैसी माओ की बद्दुआ है। हमारे भी बच्चे काम पे जाते हैं और वापस आते हैं, तब तक हम सुकून से नहीं रहते। तुम भी घर से निकलते होगे तो तुम्हारी माओ की भी चिंताएं होती होंगी, अगर उन्होंने तुम्हें अच्छी परवरिश दी है तो। क्या पा लिया तुमने एक निर्दोष को मार के? हम भारतीय हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये सब हमारा ही हिस्सा है। हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या है यार? अगर आप काटेंगे तो खून लाल ही निकलेगा। अगर मिक्स कर देंगे, क्या तुम उनको छांट के अलग कर दोगे? ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ये ईसाई का है, नहीं कर पाओगे ना। तो भारत एक है, फिर लहू लुहान क्यों कर रहे हो? निर्दोषों को क्यों मार रहे हो? क्यों तुम्हारा जमीर मर गया है? तुम कब जागोगे? तुम कब इंसान बनोगे? तुम जल्लाद बनते जा रहे हो, तुम्हें सुधरने की जरूरत है।